देखिए जिस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा है, दिल्ली के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बिल्कुल गैस चैम्बर दिल्ली बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से हमको सूरज भी नजर नहीं आ रहा है, कितना किस हद तक दिल्ली में पॉल्यूशन है। लेकिन दिल्ली की सरकार ने अपने आंख और अपने कान दोनों ही बंद कर रखे हैं, उनको कुछ नहीं नजर आ रहा है। लोग बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, सांस की बीमारियां बच्चों को लग गई हैं। स्कूल की छुट्टी करना मात्र सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बच्चे स्कूल जाएंगे उसके बाद कहीं नहीं जाएंगे, बच्चे घर में भी हैं, बाहर भी निकलेंगे, लेकिन इतने पॉल्यूशन में खाली छुट्टी करके वो क्या बताना चाहते हैं। और हर वर्ष यही करते हैं वो कि जब भी पॉल्यूशन बढ़ता है छुट्टी कर देते हैं बच्चों की, लेकिन उनके पास कोई परमानेंटली सोल्यूशन इस चीज का नहीं है। इस बात के लिए हम लोग दिल्ली सरकार की निंदा भी करते हैं कि वो अपनी सरकार में रह के बिल्कुल फेल हैं। केजरीवाल जी अपनी राजनीति की तोड़फोड़ में लगे हुए हैं, दिल्ली की जनता की उनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। आज उसी को लेकर के हम बाबापुर मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर बाबापुर रोड मार्केट में ये मास्क लोगों को वितरण कर रहे हैं, क्योंकि जो हम कर सकते हैं उनको बचाने का कार्य है वो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। ये काम दिल्ली सरकार का था लेकिन दिल्ली सरकार नहीं कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप रोड पर उतरे हैं और अपने लोगों को बचाने के लिए मास्क वितरण कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज ने? जिस हिसाब से प्रदूषण बढ़ रहा है उस हिसाब से ये कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी तरीके से करना पड़ेगा, करना पड़ेगा जरूर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब भी समाज को जरूरत हुई है, अब ये आज तो खैर पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है तो मास्क बांट रहे हैं। जब नोटबंदी हुई थी तब भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो लाइन में लग रहे थे उन्हें खाना खिलवाया था। कोरोना काल में खाना बांटना, सेवा करना, दवाइयां, ये इत्यादि काम, और आज जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हेमंत जी क्या कहना चाहेंगे मार्केट अध्यक्ष होने के नाते, इसका समाधान कब तक निकलेगा, कैसे निकलेगा? राहुल जी मार्केट महासचिव हूं मैं, और आज ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे बीच आए। उन्होंने आह्वान किया कि भाई इस परेशानी से हम मास्क बांटेंगे जो लोगों को कुछ निजात मिल सके। और हमेशा ये लोग, चाहे वो कोरोना का समय था चाहे नोटबंदी का समय था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे, संकीर्ति नीति रही है। तो उस नाते भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बहन कुसुम जी, संजय भैया, सभी लोग आए और हजारों की तादाद में हमने यह मास्क बांटे हैं। एसोसिएशन हमेशा साथ था, साथ है और साथ रहेगा। इसका समाधान परमानेंट कैसे निकलेगा? परमानेंट सॉल्यूशन तो दिल्ली सरकार की जाग होनी चाहिए, चाहे वो ओवन ऑडिवन लागू करना है, लोगों को जागरूक करना है। मुझे लगता है बिना जागरूकता के तो कुछ भी नहीं है। अगर लोग जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगी।